नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है जिसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो टॉपिक है हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। मीडिया के स्टूडेंट्स हैं तो आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे, अगर कोई नहीं पढ़ता है तो उसको पढ़ना चाहिए, बिकॉज न्यूज़पेपर के जरिए आपको बहुत सी सूचनाएँ मिलती हैं, बहुत सी खबरों को गहराई से समझने का मौका मिलता है और बहुत से आपके ऐसे असाइनमेंट्स हैं जिन्हें तैयार करने में आसानी होगी अगर आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि कौन से वो खास बिंदु हैं या वो कौन सी खास चीज़ें हैं जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त करनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं एक समाचार पत्र पढ़ते वक्त, तो निश्चित रूप से आपके करियर में, आपकी स्टूडेंट लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वो चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहले हैव अ लुक ऑन द लेआउट। जब भी आप कोई समाचार पत्र उठाते हैं पढ़ने के लिए तो सबसे पहले उसके लेआउट पर नज़र डालिए, बिकॉज अगर आप कल को बतौर सब एडिटर ज्वाइन करते हैं, डेस्क पे आप जॉब करते हैं समाचार पत्र में, तो आपको समाचार के संपादन के साथ साथ यानी न्यूज़ एडिटिंग के साथ साथ लेआउट डिज़ाइनिंग भी आपको करनी होगी। आपको न्यूज़पेपर की डमी बनानी होगी, आपकी खबरों की प्लेसमेंट आपको करनी होगी। तो इसके लिए आप समाचार पत्र के लेआउट पर नज़र डालिए कि खबरों को कैसे प्लेस किया गया है, कैसे प्रेजेंटेशन कैसे की गई है, कैसे खबरों को उभारा गया है, किस तरीके से हेडलाइन के साथ प्रयोग किया गया है। ये सब चीज़ें आप देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है वो लेआउट तो उसकी कटिंग करके आप रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं अगर आप उसको एक ऐप में पढ़ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर का जो लेआउट है वो एक तरह से विंडो है पहली, जो किसी भी पाठक को समाचार पत्र पढ़ने के लिए आकर्षित करती है। तो अगर आप कल को बतौर सब एडिटर ज्वाइन करते हैं तो लेआउट पर आपको भी ध्यान देना। इसलिए वो चीज़ें कब सीखेंगे, जब समाचार पत्र पढ़ते वक्त आप लेआउट पर ध्यान देंगे। देन लीड स्टोरी। लेआउट पर ध्यान देने के बाद आप ये देखिए कि समाचार पत्र की आज की लीड स्टोरी यानी मुख्य जो खबर है वो क्या है। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये है कि लीड स्टोरी को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, यानी वो जो लीड स्टोरी होती है, सबसे प्रमुख जो खबर होती है, उस दिन वो समाचार को पत्र को लीड कर रही होती है। तो आप तो एक तो ये देख सीख लेंगे कि जो प्रमुख खबरें होती हैं या जो लीड स्टोरी होती है उसको कैसा ट्रीट किया जाता है, उसको कैसा ट्रीटमेंट मिलता है। साथ ही आपका सामान्य ज्ञान भी अच्छा होगा अगर आप प्रमुख खबर पर लगातार नजर बना के रखते हैं। तो किसी भी समाचार पत्र को जब आप पढ़ते हैं तो उसकी लीड स्टोरी जरूर पढ़ें। देन एक्सक्लूसिव स्टोरी, जो खास खबरें होती हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब रूटीन की खबरें तो कवर करते हैं, यानी इन सब में वो खबरें जरूर होती हैं जो रूटीन की खबरें होती हैं, जैसे इलेक्शन अभी होने वाला है, आचार संहिता जिस दिन लगी उससे संबंधित खबर जो है सभी समाचार पत्रों में, समाचार चैनलों में। लेकिन कुछ ऐसी स्टोरी होती हैं, कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो समाचार पत्र समूह की अपनी विशेष होती हैं, तो आपको उन एक्सक्लूसिव स्टोरीज को भी पढ़ना चाहिए। वो ज़्यादातर बाईलाइन स्टोरीज होती हैं और उनके पीछे न्यूज़ रिपोर्टर की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बिकॉज कल को आप अगर रिपोर्टिंग के फील्ड में जाते हैं, अगर आप एक रिपोर्टर बनते हैं, तो आपको भी इस तरह की बाईलाइन स्टोरीज बहुत देनी है, खास खबरों पर काम करना है, तो आपको देखना है कि खबरें किस तरह की होती हैं, बिकॉज डायरेक्टली आपको इन पे कल को काम करना है, कैसे खबरें निकाली जाती हैं, कैसे उसको लिखने का तरीका होता है, और ये सारी एक्सक्लूसिव स्टोरीज होती हैं, तो आपको इन खबरों को भी जरूर पढ़ना चाहिए। देन नोट डाउन क्रिएटिव हेडलाइंस। जैसे कि मैंने बताया, जो लेआउट होता है वो समाचार पत्र का एक तरह से विंडो होती है, लोग उसको उठा के पढ़ना पसंद करते हैं अगर लेआउट पसंद आता है। ठीक इसी तरह जो हेडलाइंस होती हैं, शीर्षक होते हैं, वो किसी समाचार की विंडो होती है। अगर एक अच्छी हेडलाइन है तो आप उस खबर को पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसके बाद अगर इंट्रो भी अच्छा है तो आप उस खबर को और आगे पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हेडलाइन एक वो चीज़ है जो आपको सबसे पहले खींचती है। जैसे अगर किसी काम वाले की बच्चे ने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया और हेडलाइन है कि माँ करती है झाड़ू पोछा, बेटा बना आईएएस, और इसकी जगह किसका हेडिंग ये होता कि राहुल बना आईएएस, यानी उसके बेटे का नाम राहुल है, तो ये सिंपल हेडिंग है कि राहुल बना आईएएस। लेकिन अगर आप ऐसे हेडलाइन देते कि काम करने वाली बाई का बेटा बना आईएएस, तो ये अगर ये हेडलाइन आप देते हैं तो इसके जरिए उस खबर को लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, उसके प्रति आकर्षित होंगे। तो आप भी इस तरह की जो हेडलाइंस हैं उनको नोट डाउन कीजिए, देखिए, उन पर बारीक नज़र रखिए, और फ्यूचर में जब भी आपको हेडलाइन लगाने का मौका मिलता है, जब आप एडिटोरियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। देन वर्ड्स का कलेक्शन आप करें। जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, जैसे ही आपको नया शब्द मिलता है जिस शब्द के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना या आपको लिखना नहीं आता है, तो उन शब्दों को आप नोट कीजिए, चाहे वो खबर में है, एडिटोरियल में है, आर्टिकल में है, हेडलाइन कहीं भी वो है,
उसको एक नोट कीजिए अपनी डायरी में, एक डायरी अलग से लगा लीजिए कि जिन शब्दों का आपको पता नहीं है उन शब्दों को आप नोट कीजिए, और फ्यूचर में जब भी आप लिखते हैं या बोलते हैं तो खबरों को इस्तेमाल कीजिए, धीरे धीरे वो आपके शब्द हो जाएंगे, आपके शब्दकोश में शामिल हो जाएंगे, और फ्यूचर में जब आप एज ए जर्नलिस्ट काम करेंगे तो वो शब्द बड़े काम आएंगे, बिकॉज इसमें सारा शब्दों का खेल होता है। देन रीड ए न्यूज़ आइटम आर्टिकल लाउडली। अगर आप इतना उच्चारण सुधारना चाहते हैं तो जब भी समाचार पत्र पढ़ते हैं कोशिश कीजिए कि उसमें से एक या दो खबर को, चार या तीन कॉलम की खबर है उसको लाउडली पढ़िए, यानी जोर जोर से बोल के पढ़िए। हो सकता है आपको इसके लिए एकांत ढूंढना पड़े, बिकॉज दिस अजीब लगेगा अगर आप भीड़ में ऐसा करते हैं, तो आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, अपना जो स्टडी रूम है वहाँ पर आराम से एकांत में आपको एक खबर को, एडिटोरियल को या आर्टिकल को लाउड पढ़िए, ऊंची आवाज़ में पढ़िए। इससे आपका प्रोनंसिएशन अच्छा होगा, आपको ये पता लगेगा कि कौन से वर्ड्स जो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, और आप फिर उन पर काम करेंगे। यानी आपका उच्चारण भी अगर आपको सुधारना है तो भी समाचार पत्र का अगर ये तरीका आप अपनाते हैं पढ़ने का तो काफ़ी काम आने वाला है। देन करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं जहाँ पे पत्रकारिता के विद्यार्थियों को करंट अफेयर्स का एग्जाम भी देना होता है, या एंट्रेंस एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के मामलों की पता होना चाहिए, टॉपिक्स का पता होना चाहिए। अगर आप लगातार समाचार पत्र पढ़ते हैं तो करंट के जो इश्यूज़ हैं उनको गहराई से समझिए, उनको नोट डाउन कीजिए, और आर्टिकल्स उन पर लगातार आते हैं न्यूज़ के साथ साथ सभी समाचार पत्रों में, उनकी कटिंग्स आप रख सकते हैं, डिस्कशंस आप कर सकते हैं, तो करंट अफेयर्स का जो आपका जितना भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मुद्दे हैं वो कवर हो जाएंगे अगर आप समाचार पत्र को अच्छे से पढ़ते हैं, उस पर नज़र बना के रखते हैं। देन कटिंग ऑफ आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंट इशूज़। अगर आपको लगता है कि बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिन पर आर्टिकल आ रहे हैं और फ्यूचर में मेरे काम आ सकते हैं, जैसे कोई एग्जाम आप देते हैं, कोई भी नया कानून पास होता है, या कोई भी एक ऐसा विषय जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही होती है, या कोई ऐसा आर्टिकल हो सकता है जो पत्रकारिता से संबंधित विषय पर लिखा गया है, तो आप उसकी कटिंग करके रख सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कल को आप रिसर्च के सेक्टर में जाएं, आप PhD करें या नेट का एग्जाम आप दें, तो वहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, तो आपके लिए बड़ा फायदा रहेगा अगर इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखते हैं, या डिजिटल तरीके से आप इसको सेव करके रखते हैं, या कटिंग आप करके रखते हैं और इसकी एक फाइल आप तैयार करते हैं, तो ऐसा आपको करना चाहिए समाचार पत्र पढ़ते वक्त। देन न्यूज़ राइटिंग स्टाइल। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं अच्छे से तो आपको ये भी ध्यान देना है कि न्यूज़ राइटिंग का स्टाइल क्या है। थोड़े थोड़े वक्त के बाद न्यूज़ राइटिंग का स्टाइल लगातार बदलता रहता है। आज आप देखेंगे समाचार पत्रों में जो बड़ी खबरें होती हैं उनको बजाय कि एक लाइन से शुरू करने के बाद लास्ट में ख़त्म करते हैं तीन चार कॉलम, इसकी बजाय उसको छोटे छोटे बॉक्सेज में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, ताकि छोटे छोटे बॉक्सेज में जो है पाठक उन खबर को पढ़ लेंगे, बजाय कि पूरी लेंथी खबर है चार कॉलम की लगातार बिना किसी बॉक्स के, बिना किसी हाईलाइटर के। तो न्यूज़ राइटिंग का स्टाइल जो है लगातार बदलता रहता है, तो आजकल क्या स्टाइल चल रहा है वो कब पता लगेगा, जब आप समाचार पत्र पढ़ेंगे। और अलग अलग राइटिंग के स्टाइल होते हैं, इंट्रो के राइटिंग के स्टाइल अलग अलग होते हैं, कई तरह से इंट्रो किया जाता है, कई तरह से हेडलाइंस होते हैं, कोई डायरेक्ट हेडलाइन होता है, कोई क्रिएटिव हेडलाइन होता है, मैकेनिकल हेडलाइन, तो उन सब पे अगर आप नज़र रखते हैं, क्योंकि आपको इस प्रोफेशन में जाना है, चाहे आप जर्नलिस्ट बनेंगे या हो सकता है जर्नलिज्म के टीचर बने, तो आप बच्चों को तभी सिखा पाएंगे जब आप उन पर नज़र रखते हैं। तो न्यूज़ राइटिंग का स्टाइल भी अगर आपको सीखना है, खबर लिखने की शैली अगर आपको सीखनी है, तो आपको ज़रूर समाचार पत्र पढ़ने चाहिए और इस चीज़ को आपको नोट करना चाहिए। देन न्यूज़ फोटोग्राफ्स। आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो फोटोग्राफ्स पर भी नज़र रखिए, बिकॉज जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो अपने आप में न्यूज़ लिए होते हैं। समाचार पत्र में जितने फोटोग्राफ्स छपते हैं वो सिर्फ कोई ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो फोटोग्राफ्स होते हैं, उसमें कोई न्यूज़ एलिमेंट नहीं होता। जितने फोटोग्राफ्स छपते होते हैं, कई बार ऐसा होता कि कई फोटोग्राफ्स जो है सिर्फ फोटोग्राफ होते हैं, उनके साथ खबर नहीं होती, और फोटो अपने आप में न्यूज़ होते हैं। तो जो फोटोग्राफ्स न्यूज़ के साथ भी लगे होते हैं वो भी उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि न्यूज़ में जो बात कही गई है फोटो जो है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो फोटोग्राफ्स लेना भी आप सीखेंगे, क्योंकि आजकल बहुत से समाचार पत्र ऐसे हैं जहाँ पे फोटो जर्नलिस्ट की पोस्ट नहीं है, वो खत्म करते जा रहे हैं, और न्यूज़ रिपोर्टर को ही अलग अलग फोटोग्राफ्स लेनी होती हैं। तो आपको भी सेंस होनी चाहिए कि फोटो जर्नलिज्म कैसे होती है, एक फोटो जर्नलिस्ट कैसे फोटो लेता है, और वो खबर से कैसे संबंधित होते हैं। तो आपको न्यूज़ फोटोग्राफ्स को भी बारीक से देखना है, साथ ही फोटो कैप्शन उसका कैसे लिखा हुआ है, और जो फोटो में दिख रहा है उसको आप कैप्शन में कैसे लिखें, क्रिएटिव तरीके से लिखें, ये भी आप सीख पाएंगे अगर आप इस तरीके से समाचार पत्र को पढ़ते हैं। एडिटोरियल पॉलिसी यानी संपादकीय नीति। कोई भी समाचार पत्र किसी मुद्दे पर क्या राय रखता है, यानी सरकार ने कोई कानून पास किया तो कोई समाचार पत्र उस कानून के बारे में क्या सोच रहा है,
उसको सही बता रहा है, गलत बता रहा है, ठीक ठीक बता रहा है, या ये कह रहा है कि इसमें ये थोड़े चेंजेस किए जा सकते हैं, सुधार किया जा सकता है। तो अगर आप किसी कानून पर, किसी मुद्दे पर, अगर आप समाचार पत्र की राय जानना चाहते हैं, या कौन सा समाचार पत्र ऐसा है जो सरकार की ज़्यादातर खिलाफ खबरें छापता है, या उसके सिर्फ फेवर में खबरें पब्लिश करता है, या वो न्यूट्रल है, अगर आपको इन चीज़ों को समझना है, किसी समाचार पत्र की पॉलिसी को समझना है, संपादकीय नीति को समझना है, तो आपको उसकी लगातार नज़र रखनी होगी, न केवल संपादकीय पर बल्कि खबरों का जो ट्रीटमेंट है, जो हेडलाइन है, कौन सी खबरों को जगह दी जा रही है, जगह भी दी जा रही है तो कहाँ पे जगह दी जा रही है, उनकी प्लेसमेंट क्या है, इन सब चीज़ों पर अगर आप नज़र रखते हैं तो एडिटोरियल पॉलिसी आपको समझ में आएगी। उसको समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कल को आपको उन समाचार पत्रों में, समाचार चैनलों में काम करना है, और अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की अगर आपको एडिटोरियल पॉलिसी नहीं पता है, उसकी समझ नहीं है, तो आप वहाँ कामयाब नहीं हो पाएंगे। देन रेगुलर कॉलम्स, समाचार पत्रों में रेगुलर कॉलम्स आते हैं, हर समाचार पत्र में कुछ कॉलमनिस्ट जुड़े होते हैं जो सिनेमा पर, साहित्य पर, पत्रकारिता पर, युवा, या अलग अलग महिलाओं पर, बच्चों के मुद्दों पर, बहुत से अलग अलग मुद्दों पर वो लगातार लिखते हैं, रेगुलर कॉलम्स लिखते हैं, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं रेगुलर कॉलम्स। और आप एज अ मीडिया स्टूडेंट रेगुलर कॉलम लिखना खुद भी शुरू कर सकते हैं, अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो फिर किसी एक विषय पर आप फ्यूचर में, हो सकता है एज अ फ्रीलांसर जुड़ जाए किसी समाचार पत्र से, वो कॉलम लिखना शुरू कर दें। तो आपको जो रेगुलर कॉलम्स जो नियमित रूप से पब्लिश होते हैं, कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जो समाचार पत्र में डेली आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वीकली आते हैं किसी पर्टिकुलर डे पे, कोई मंडे को आता है, कोई ट्यूजडे को आता है, कोई वेंसडे को आता है, तो जब आप लगातार समाचार पत्र पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस समाचार पत्र में कौन से रेगुलर कॉलम्स पब्लिश होते हैं। तो इनको आप जरूर पढ़ें, बिकॉज ये इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं, आपको राइटर से जुड़ने का मौका भी मिलता है। देन वीकली सप्लीमेंट्स, जिस तरह रेगुलर कॉलम्स होते हैं उसी तरह वीकली सप्लीमेंट्स आते हैं, साप्ताहिक परिशिष्ट, जैसे दैनिक भास्कर में रस रंग आता है, नवरंग आता है, मधुरी में आता है, दैनिक जागरण में झनकार आता है, संगीनी आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम्स असेंट आता है, द ट्रिब्यून में जॉब्स एंड करियर आता है, तो ये सारी चीज स्पेक्ट्रम आता है ट्रिब्यून में। तो ये जो वीकली सप्लीमेंट्स हैं, साप्ताहिक परिशिष्ट हैं, इसमें किसी खास सेगमेंट को कवर किया जाता है, जैसे मधुरी में और संगीनी में ये महिलाओं पर केंद्रित है, महिलाओं से संबंधित कहानियाँ हैं, फीचर हैं, या शॉर्ट स्टोरीज हैं, कविताएं हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं के उसमें उठाए जाते हैं। जॉब्स एंड करियर जुड़ा जो ट्रिब्यून का जो सप्लीमेंट है, उसमें अलग अलग जगह किस तरह के रोजगार की संभावनाएं युवाओं के लिए है, तो मीडिया स्टूडेंट्स को इन सभी साप्ताहिक परिशिष्टों पर नज़र रखनी चाहिए। देन कंपेरिजन विद अदर न्यूज़पेपर्स, आप केवल एक ही समाचार पत्र मत पढ़िए, बिकॉज आप केवल इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, अगर एक समाचार पत्र आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपको 90% तक खबरें मिल जाए कि कल क्या खास हुआ, चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, आपको ये देखना है कि एक समाचार पत्र ने उसको कैसे कवर किया घटना को, दूसरे ने कैसे किया, तीसरे ने कैसे किया, धीरे धीरे आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा और पता लग जाएगा कि कौन सा अखबार जो उसका खबरों का ट्रीटमेंट कैसा है, कौन से का बेहतर है, कौन से का थोड़ा सा खराब है या एवरेज है। तो इसलिए आप केवल एक समाचार पत्र नहीं, दो या तीन समाचार पत्र, राष्ट्रीय समाचार पत्र जरूर पढ़िए, और तरीका जो है वो हमने पहले के पॉइंट्स में डिस्कस किया, उन सब चीज़ों पर आप नज़र रखिए। देन स्टाइल शीट, हर समाचार पत्र जो है वो दिखने में बिल्कुल अलग है, जैसे हर इंसान अलग है, चेहरा उसका, हर किसी का घर लगभग अलग सा दिखता है, इसी तरह समाचार पत्र जो होते हैं उनका अलग, सभी का अपना अपना स्टाइल शीट होता है, और इसी वजह से उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो आपको समाचार पत्रों की स्टाइल शीट पर भी ध्यान रखना है। अलग अलग समाचार पत्र होते हैं जिन जो कई शब्दों को अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे कुछ समाचार पत्र अमेरिका लिखते हैं, कुछ अमेरिका लिखते हैं, कुछ मार्केट लिखते हैं, कुछ मार्किट लिखते हैं, कुछ भाजपा लिखते हैं, कुछ बीजेपी लिखते हैं, तो ये अलग अलग स्टाइल है समाचार पत्रों के, तो आपको इनको जरूर ध्यान देना है कि कैसे वो फॉन्ट का स्टाइल क्या है, फॉन्ट का कलर क्या है, फॉन्ट ही कौन सा है, यानी कौन सा फॉन्ट वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप तभी देख पाएंगे जब लगातार उन समाचार पत्रों पर आप नज़र रखते हैं, बिकॉज कल को उन पर अगर आप काम करते हैं समाचार पत्रों में जा करके, तो आपको उसी तरीके से ढलना होगा, उसी समाचार पत्र की एडिटोरियल पॉलिसी और स्टाइल शीट के हिसाब से। देन कीप एन आई ऑन फ्रीलांसिंग ऑप्शंस, आप समाचार पत्र लगातार पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ये जरूर देखिए कि कौन से ऐसे समाचार पत्र हैं जहाँ पे मैं एज ए फ्रीलांसर जुड़ सकता हूँ, कौन से वो कॉलम्स हैं जो मैं लिख सकता हूँ, और जहाँ से मुझे मेरा प्रोफाइल अच्छा होगा, राइटर्स पब्लिश होंगे, मेरी फाइल अच्छी तैयार होगी, और साथ में समाचार पत्र जो है हो सकता है आपको कुछ पे भी करें, पारिश्रमिक भी आपको मिले,
और इससे जो है आपकी पॉकेट मनी आएगी, जिससे आप कुछ किताबें खरीद सकते हैं या लगातार आपको लिखने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। तो एक नज़र बना के रखें कि कहाँ मैं एज ए फ्रीलांसर काम कर सकता हूँ। देन नॉट ओनली रीडिंग बट एनालिसिस ऑल्सो। समाचार पत्र को केवल पढ़े नहीं, एक पाठक के नज़रिए से उसका एनालिसिस भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करें। क्लासरूम में समाचार पत्र, एक फ्रेंड कोई समाचार पत्र पढ़ के आ सकता है, दूसरा फ्रेंड दूसरा समाचार पत्र पढ़ के आ सकता है, और सब लोग मिल करके उस पर चर्चा कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि एक समाचार पत्र को आप कैसे पढ़ें। उम्मीद है आगे से जब भी आप समाचार पत्र पढ़ेंगे तो इन बिंदुओं को आप ज़रूर दिमाग में रखेंगे, और इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए समाचार पत्र पढ़ेंगे और ज़रूरी नोट्स भी बनाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप इन सब बातों पर ध्यान देते हैं तो समाचार पत्र पढ़ने के आपके जो फायदे हैं, यानी समाचार पत्र पढ़ने से आपको जो फायदे मिलते हैं, उसकी जो प्रतिशत है, उसका जो आपके लिए सदुपयोग आने वाली चीज़ें हैं, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, और निश्चित रूप से करियर में और स्टूडेंट लाइफ में आपको इसको फायदा मिलेगा। इसी तरह के कुछ और विषयों के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास्कम जंक्शन। धन्यवाद।